कोल वासरी का अजब खेल, कोयले की जांच में भी घपला, ऑडिट के लिए बनी थर्ड पार्टी कंपनी भी अपनों की, केवल दिखावे के लिए रोका गया काम, ऊर्जा विभाग के पत्र पर भी बस रस्म अदायगी। कोल वासरीज के भ्रष्टाचार के दलदल में अधिकारी नेता व्यापारी पूरा सिस्टम ही डूबा हुआ है। टैक्सपेयर के पैसों को खुलेआम लूट रहा सिस्टम इतना मजबूत है कि जांच के लिए अपनों की थर्ड पार्टी कंपनी को तैनात कर रखा है। महाजनको के भी इसी थर्ड पार्टी का हवाला देकर ऊर्जा मंत्रालय को गुमराह कर रहा है। कोल वासरीज को लेकर हो रहे शोर को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने 22 अप्रैल और फिर 14 जून को महाजनको को पत्र लिखकर जवाब तलब किया। क्वालिटी से लेकर निष्कृष्ट दर्जों के कोयले का उपयोग करने को लेकर मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। महाजनको ने इस मामले में ऊर्जा विभाग को सूचित किया कि वह क्वालिटी कंट्रोल के लिए नियुक्त थर्ड पार्टी एजेंसी से रिपोर्ट लेकर जवाब देगा। अब महाजनको के वरिष्ठ अधिकारी दावा कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी लगातार जांच कर रही है, रिपोर्ट भी दे रही है, अब इनका अध्ययन कर विस्तृत जवाब दिया जाएगा। धुले हुए कोयले की जांच को पारदर्शी रखने के लिए महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन ने केवल रस्म अदायगी के लिए दो एजेंसी को थर्ड पार्टी नियुक्ति किया है। सूत्रों का दावा है कि थर्ड कोराड़ी ताप बिजली केंद्र को बिलासपुर से SICL के धुले कोयले की आपूर्ति के लिए नियुक्ति महावीर कोल वासरी को लेकर आश्चर्यजनक जानकारी सामने आई है। इस कोल वासरी को MSMC ने 20% का काम दिया है। कोल वासरी के कामकाज को लेकर उठे सवाल पर MSMC ने आपूर्ति को रोक दिया। एक महीने तक काम ठप होने के बाद पता नहीं किस शक्ति ने सब ठीक कर दिया। फिलहाल यह कोलवासी आपूर्ति कर रही है, पार्टी भी अपनों की है, उसकी रिपोर्ट वास्तविक जानकारी नहीं रखते। रिजेक्ट कोयले के नाम पर जो खेल हो रहा है उसे भी यह एजेंसी उजागर नहीं कर रही। प्राप्त जानकारी लोकमत से ली गई है। महाराष्ट्र TV24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।